हाय फ्रेंड, मैं बनाने जा रही हूँ आज मूंग की दाल, जो रेगुलर में बनाते हैं बिना प्याज बिना लहसुन और किसी भी, जैसे नवरात्रि कभी तक चल रहा है, साल चल रहा है, इसमें भी खा सकते हैं मतलब के। तो चलिए बनाते हैं। मैंने एक कटोरी लिया है, इसको भिगो रखा है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद भिगो के रखा है 5 मिनट। एक कटोरी दाल लें और एक कटोरी पानी में भिगो के रख दें। आलू और हरी मिर्ची और गोभी गोभी और बैगन, ये सबको मिक्स कट कर लिया मैंने। जिसको मैं छौंक लगाऊंगी, मैंने कढ़ाई में तेल डाला है और जीरा डाला है 1 चम्मच जीरा और 2 स्पून ऑयल डालिए और बस जब तक ये सुनहरा होता है। उसके बाद ये सब्ज़ी, आप सारी सब्ज़ी धुल के पानी में और पानी से बाहर निकाल कर डाल दें। देखिए छौंक लगा दी हूँ और बस सब भून रही हूँ इसको। लाल मिर्ची 1 चम्मच, 1/2 टीस्पून हल्दी, स्वाद जैसा आप लोग खाते हैं वैसे हिसाब से, और थोड़ी सी लाल मिर्ची। बस फ्राई करिए, रोटी के साथ चावल के साथ ऐसे भी खा सकते हैं आप। देखिए मैं टमाटर कट करके रखा था, मैंने डाल के खा लेंगे। बाहर घूम रही हूँ थोड़ा, इसलिए शाम का समय चलते चलते मैं काम भी करती हूँ। तो कैसा लगा आपको डिनर पकाने बनाया है? टमाटर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे। लगभग 10 मिनट में पक जाता है। दो सीटी आ गई होंगी, मेरे तक सब्जी भी पक गया है मेरा, टमाटर बिक्री कर गया है। धनिया है तो धनिया ऊपर से डाल के साथ रखा, तो अभी धनिया का मिल नहीं रहा है मार्केट में, धनिया नहीं डाला। और ये मैंने दाल के छौंक के लिए रखा है 1 लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच में ये हींग।
हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए मैंने घी डाला है इसमें और जीरा और ये डाल मिर्च डाल दी और कंपनी डाल के फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा जीरा और उसमें दाल डाल देंगे जो पकी हुई दाल है। देखिए इसमें दाल में मैंने थोड़ा सा, हमारे पास पालक था तो मैंने पालक डाल दिया था, बहुत स्वादिष्ट होता है ये। नॉर्मली